आज है 6 सितंबर और मैं हूँ आर्ट गैलरी में। यहाँ पर होने वाला है ग्रुप शो, जिसका जिक्र मैंने पिछले ब्लॉक में भी किया था। टोटल 51 आर्टिस्ट हैं और सबके आर्टवर्क यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ आर्टवर्क आ चुके हैं जो कि ओपन होकर सेट हो रहे हैं और डिस्प्ले हो रहे हैं। कई आर्टिस्ट भी मुलाकात के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये गैलरी का स्टाफ है जो कि पेंटिंग्स को हैंग कर रहा है। ऑलरेडी हमने सब सेट कर दिया है। ब्लॉक में बने रहिए, एग्जीबिशन के बारे में आज आपको हम पूरा दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। इसी तरह की बहुत सारे ऐसे मास्टर आर्टवर्क्स हैं जो कि गैलरी में शोकेस किए गए हैं और ये आर्टवर्क्स अभी यहाँ डिस्प्ले के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें पीछे थ्रेड लगाया जाता है और थ्रेड से ही पेंटिंग वॉल में हैंग होती है। काम की खूबसूरती देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाली एग्जीबिशन कितनी अच्छी होने वाली है। काफ़ी देर, पूरा दिन ही ऑलमोस्ट हो जाता है जब सेटअप होता है और ग्रुप शो होता है। और दिल्ली में ग्रुप शो होना अपने आप में एक बहुत ही लेविश तरीके से तैयारियां इसकी की जाती हैं, क्योंकि ये हमारा होम सिटी है, यहाँ पे हमारा घर है। इस वजह से तैयारियां भी उतनी ही ज़ोरों शोरों से होती हैं। आप इस पेंटिंग की खूबसूरती को देख सकते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने इसको जूम करके आपको दिखा रही हूँ। और ये काम हमारे एक फरीदाबाद के आर्टिस्ट हैं, ये उनका काम है और बेइंतहा खूबसूरत है। इस तरह की उनके 2 आर्टवर्क हैं जो कि गैलरी में लगे थे। और फाइनली सेटअप हो चुका है, अगला दिन हो चुका है, इनॉग्रेशन की तैयारियाँ सब हो चुकी थी कम्प्लीट। और आ चुके हैं हमारे गेस्ट जो कि इनको लेकर मैं आ रही हूँ। और आप देख सकते हैं वॉल पे जो पेंटिंग्स हैं उससे गैलरी की रौनक और भी ज़्यादा बढ़ गई, 4 चांद हो चुकी है। और दोस्तों, ये इनॉग्रेशन सेरेमनी है जो कि 7 सितंबर को थी ग्रुप शो की। और यहाँ पे इंतज़ार वैसे गेस्ट का हो रहा था, लेकिन दोस्तों एक बात और बता दूँ, ये आ गए हैं दिल्ली के डिप्टी मेयर साहब, जो कि दिल्ली के डिप्टी मेयर हैं और ये हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट भी हैं। ये पहुँच चुके हैं। बारिश का मौसम था, तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी इनॉग्रेशन के टाइम पे, लेकिन फिर भी इनॉग्रेशन तो होना ही था और सभी गेस्ट धीरे धीरे आते जा रहे थे और माहौल बनता जा रहा था। काफ़ी आर्टिस्ट यहाँ मौजूद थे, कुछ आर्टिस्ट दिल्ली के बाहर के थे, कुछ और भी आर्टिस्ट थे जो कंट्री के बाहर के थे जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे। लेकिन ओवरऑल धीरे धीरे बहुत लोग गैलरी में इकट्ठा हो चुके थे। और माइक पे जो हैं वो परमजीत सर हैं, जो कि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के एक्स प्रिंसिपल रह चुके हैं। उसके बाद इनॉग्रेशन के बाद अगले दिन जो है हमारा लाइव डेमोस्ट्रेशन था। लाइव डेमोस्ट्रेशन का मतलब था कि लाइव पेंटिंग सामने बिठाकर लाइव पेंटिंग, लाइव फेस, लाइव पोर्ट्रेट को बनाया जाए। और इसके लिए हमारी से एक सीनियर रिनाउंड आर्टिस्ट अर्चना पांडा जी लाइव डेमोस्ट्रेशन दे रही हैं और मैं ही हूँ इस लाइव डेमोस्ट्रेशन की मॉडल। तो आज हमारी ही, मेरा ही पोर्ट्रेट बन रहा है। इतने सालों से शो कर रही हूँ लेकिन कभी भी इस काम के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाई। लोगों ने मेरे बहुत सारे पोर्ट्रेट बनाए, फ़ोटोज़ बनाए, स्केच बनाए, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इस चेयर पर बैठूं। लेकिन आज इत्तेफाक की बात थी, कुछ ऐसा माहौल बना तो मुझे भी लगा कि शायद आज मैं ही यहाँ पे हूँ, बैठ जाती हूँ। तो बस अब ये स्टार्ट हो चुका है और जब ये बन के तैयार होगा आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर इसका फाइनल पिक्चर देख सकते हैं। बेइंतहा खूबसूरत, ऐसा लग रहा था कि ये मुंह से बोल पड़ेगी जो पोर्ट्रेट है। बहुत सारे आर्टिस्ट तो ये भी कह रहे थे कि इरम मैम क्या कम बोलती हैं, जो एक और बोलने वाली आपने बना दी। तो इस तरह के कमेंट्स मुझे मिल रहे थे। देखिए, ये फाइनल टचअप हो रहा है और सिर्फ 3 घंटे में इन्होंने ये पोर्ट्रेट इतना खूबसूरत बनाया। ये कैनवस के ऊपर बना है और इसमें जो कलर यूज़ हुए हैं वो ऑयल कलर यूज़ हुए हैं। इनफैक्ट इतनी देर एक ही पोजीशन में बैठने से मुझे नींद भी आने लगी, लेकिन मेरा फेस बार बार इधर उधर घूम रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। और लाइव डेमोस्ट्रेशन जो था वो स्टार्ट हुआ था 3 बजे से, जो कि शाम तक चल रहा था, 6, 6:30, 7 बजे तक इन्होंने पूरा कर दिया अर्चना जी ने। और अर्चना जी हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और बहुत ही टैलेंटेड और पैशनेट आर्टिस्ट हैं। जब तक चीज़ परफेक्ट ना हो जाए तब तक वो उस चीज़ को छोड़ती नहीं है, जब तक वो उसको परफेक्ट करके ही मतलब क्लोज करती हैं। तो ये एक इनकी खासियत है कि डेमोस्ट्रेशन बहुत जगह होते हैं लेकिन इतना परफेक्शन काम में नहीं आता है। अर्चना जी का ये जो आदत है वो मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी लगती है।
और दोस्तों गैलरी बहुत ही अच्छी, वेल डिसिप्लिन, खूबसूरत, मेंटेन है। और आप मेरे इस वीडियो से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जो गैलरी है जहाँ पर ये शो था, ये अपने आप में गैलरी भी बहुत ही प्रोमिनेंट गैलरी है। दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली में बनी हुई है। और यहाँ पे ये देखिए, ये मेरी बन रही है ज्वेलरी, गले का नेकलेस और इयररिंग, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए। अर्चना जी ने एक छोटी सी बिंदी भी मेरे फेस पर लगा दी थी कि नज़र ना लगे और चेहरा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे। और मैं उस चीज़ को भी देखिए आप, उन्होंने बहुत खूबसूरती से बनाया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग आज का पसंद आया होगा। थोड़ा मैं लेट भेज रही हूँ क्योंकि मेरे साथ भी कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी। जिस दिन इनॉग्रेशन था उसी दिन ही यहाँ ग्रुप शो था, करीबन 200-250 लोग गैलरी में थे और मेरा पर्स चोरी हो गया जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे और पता भी नहीं चला कि कौन लेके गया। काफ़ी ढूंढा जा रहा है लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रही कि इस तरीके से कैसे हो गया। और मैं इतने सारे ग्रुप शोज़ में रहती हूँ प्रेजेंट और इनॉग्रेट भी करती हूँ और साथ ही क्यूरेट करती हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इत्तेफाक की बात थी, ये किसने किया। लेकिन आजकल सच पूछिए तो किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार है। शायद आपके साथ हुआ हो तो आप इस बात को मेरी समझ पाएंगे। एनीवे ओवरऑल ये डेमो हो चुका था और आप देख सकते हैं ये फाइनल मेरा था जो कि बन चुका था। उसके बाद नेक्स्ट डे जो था, सूरज शुक्ला जो कि हाइपर रियलिस्टिक में रेनाउंड आर्टिस्ट हैं और ये जामिया से पास आउट है दोस्तों, और ये अर्चना जी इसमें फ़ाइनल कुछ चेंजेस और टचअप थे वो कर रही हैं। सूरज का एक डेमोस्ट्रेशन में इन्होंने बनाए थे हॉर्स जो कि बेइंतहा खूबसूरत थे। ऐसा लग रहा था कि बस ये घोड़े दौड़ पड़ेंगे, यानी कि ये घोड़े गैलरी में दौड़ पड़ेंगे। ऐसे घोड़े, इतने खूबसूरत हॉर्सेस इन्होंने बनाए और बहुत ही पैशनेट आर्टिस्ट हैं। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले ब्लॉग में जल्दी मिलूँ।